नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जी हाँ, ये कहावत भी आपने सुनी होगी। इससे जुड़ी हुई एक कहानी कथा मैं आपको अभी सुनाती हूँ। तो कथा इस प्रकार है, कुंभज नामक एक कुम्हार बहुत ही घड़े, सुराही, गमले आदि बनाता था। बहुत सुंदर घड़े सुराही बनाता था। उसके बनाए हुए सामान की मांग दूर दूर तक थी और वह अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से किया करता था। उसके पास एक छोटा सा कमरा था और बाहर बहुत बड़ा चौक था। वह अपने सभी मिट्टी के बर्तनों को बनाकर उन्हें चौक में सुखाता था और उसी चौक में बहुत अच्छी गहरी धूप भी आती थी। कुंभज अपने जीवन में दिन रात परिश्रम करके बेहद खुश रहता था। अभी वह अविवाहित था। उसने सोचा हुआ था कि मैं जब भी मेहनत से कुछ रुपए इकट्ठे कर लूँगा, रुपए इकट्ठे करके एक बढ़िया सा घर बना लूँगा, सुंदर सा घर बना लूँगा, तभी मैं विवाह करूँगा। और फिर विवाह के लिए रुपए भी तो चाहिए। सुबह उठते ही वह पूरा चौक साफ करता। उसके बाद उसकी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर व्यायाम करता। उसका बदन भी गठीला था और रोबदार था। इसके साथ ही वह बच्चों से भी बहुत प्रेम करता था। बच्चे जब तब उसके चौक में आकर सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तनों को निहारते थे और कुंभज उन्हें बनाने की प्रक्रिया भी सिखाते थे। कुंभज को इन सब में एक असीम आनंद और सुख मिलता था। वह बहुत होशियार भी था। हर बात को गहराई से समझ कर ही किसी काम में हाथ डालता था। भज के बर्तन हमेशा चौक में ही पड़े रहते थे, इसलिए उसे उस समय खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता था जब वह चौमासे होते थे या फिर जब बेमौसम की बरसात आ जाया करती थी। इसके लिए उसने एक बड़ा सा तिरपाल लाकर रखा हुआ था और जैसे ही मौसम के मिजाज को देखता, उसे लगता कि बारिश होने के वाली है तो उसे उस पर टांग देता। इससे आसार होता कि उसे तुरंत अपने तिरपाल को, जो चौक के बर्तन थे वो, उससे बारिश से बच जाया करते थे। वह मूसलाधार बना रहा था तो अचानक एक दिन वह अपने बर्तनों को आंधी सी चलने लगी। हवाओं की नमी बारिश के तेवर बदल गए, उसका संकेत देने लगी हवाएं। बहती बहती पुरवैया कुंभज को बेहद पैसा का उठा ही रहा था कि बड़ी बड़ी जोर जोर से अभी पुरवैया आनंद बादल गरजने लग गए। बादलों की गर्जन इतनी भयानक थी कि उसकी गड़गड़ाहट सुन करके वह स्वयं कांप उठा। उसे लगा जैसे आज तो बारिश होगी ही होगी और तेज हवाओं के झोंके और आंधी उसके तिरपाल को हवन की तरह उड़ा देंगे। यह सोचकर वह चौक के कोनों पर एक मजबूत किले बांधकर उस तिरपाल को बांधने लगा। कुछ ही देर में उसने जल्दी जल्दी चारों कोनों में मजबूत किले ठोक कर तिरपाल को बांध दिया। लेकिन इतने में ही उसने देखा कि बादल जोर जोर से गरज गरज कर सबको डरा रहे थे। पानी की एक बूंद तक नहीं थी और उस दिन बारिश की एक बूंद तक टपकी। मौसम का ऐसा मिजाज देखा जब कुंभज ने तो हैरान होकर मुस्कुरा उठा और अपने काम में फिर से जुट गया। इसी प्रकार दिन बीतते रहे। एक दिन कुंभज के पास उसका दूर का भाई अंबुज आया। कुंभज चौक में अंबुज के साथ बातें करता हुआ बर्तन बना ही रहा था कि तभी एकाएक जोर से हवाएं चलने लगी और मौसम का रुख भी बदल गया। आसमान में बादलों की गर्जना गूंज उठी। उनकी गूंज से अंबुज भी कांप उठा। बोला, भैया ऐसा लगता है कि आज तो आपके इलाके में मूसलाधार बारिश होगी। ऐसे में आपके मिट्टी के बनाए हुए जो सारे बर्तन हैं वो टूट फूट जाएंगे। क्या आपने इससे निपटने के लिए कोई इंतजाम किया है या नहीं किया है? अंबुज की बातें सुनकर कुंभज बोला, अरे अंबुज घबराने की कोई बात नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अभी कुछ देर में मौसम जहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, शांत हो जाएगा। हाँ, तुम यह पूछ रहे हो कि मैंने बारिश से बचने के लिए इंतजाम किए हैं या नहीं, तो मेरे भाई वो मैंने अच्छी तरह से किया हुआ है।
इसके बाद कुंभज ने बताया कि किस प्रकार से उसने तिरपाल को मजबूती से दीवार के कोनों में बांध दिया है और एक छत सी बनाई हुई है जो न सिर्फ वर्षा में अपितु तेज गर्मी और सर्दी में भी उसका बचाव करती है। कुछ ही देर बाद अंबुज ने बादलों की ओर निहारा तो पाया कि सचमुच गरजने वाले बादलों में पानी की एक बूंद भी नहीं थी और सभी कुछ जैसा का तैसा हो गया। बादलों को भी बाद जब शांत हो गया तो उसको देखने के बाद अंबुज भी कुंभज से अपने भाई से बोला, कहता है, हाँ भाई, तुम तो सही कहते थे, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इस प्रकार से तभी से यह कहावत चल पड़ी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो इस प्रकार से यह कहानी, कहावत की कहानी आपको किस प्रकार लगी, आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।